हर हर महादेव। जय भवानी। मुझे अक्सर बहुत सारे मेरे पुत्रवत भाई और भ्राता और पुत्र बोलते रहते हैं, माताएं बोलती रहती हैं, बहनें बोलती रहती हैं कि आप कभी कभी भजन गाया करो। तो आज मैं सुबह गा रही थी मराठी भजन। मेरा कुछ मराठी भजन है जो मुझे बहुत प्रिय हैं, तो वो मेरा उनमें से एक। मैं बहुत सुना करती थी शुरू शुरू में, 96-97 में बहुत सुनती थी वो भजन लता जी का, सुबह उठ के। और टीवी पे आता था वो सुबह 4:30-5 बजे, वो हमेशा डेली बजता था वो भजन। तो वो मैं गाती हूँ। मोगरा फूलला, मोगरा फूलला, मोगरा फूलला, मोगरा फूलला, फूले वे चिता बहरू कलिया शियाला, मोगरा फूलला, मोगरा फूलला, मनाचिए गुम्पिए गुम्फियला शेला, मनाचिए गुम्फिए गुम्फियला शेला, बाप रखुम देवी वरी विठल अर्पिला, मोगरा फूलला, मोगरा फूलला, एवले सिरोपा लावियल दारे, एवले सिरोपा लावियल दारे, ते आचा वेलू गेला गगना वेरी, मोगरा फूलला, मोगरा फूलला, मोगरा फूलला, मोगरा फूलला, फूले वेचिता बहरू कलिया शी आला, मोगरा फूलला, मोगरा फूलला। इसका अर्थ है कि मोगरे के फूल खिल गए हैं और मैं बाहर से कलियां चुन चुन के ला करके भगवान को चढ़ा रही हूँ। छोटी सी उसकी बेल लगाई थी, अब कितनी बड़ी हो गई है, आसमान तक वो बेल जाती है, और वहां से मैं फूल चुन चुन कर भगवान के चरणों में अर्पित करती हूँ। तो ये इस भजन का, अभंग का, लता जी के गाए हुए इसका भाव है। गेला गगना बेरी। तो ये आज मैं गा रही थी भजन, तो मुझे बड़ा पसंद है। मराठी के बहुत भजन मैं गाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। भगवान की कृपा है कि अलग अलग भाषाओं में भजन सीखने का उन्होंने मुझे मौका दिया। अच्छा, एक बात ही मुझे आप लोगों से कहनी है। यहाँ आकर के बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें लिख देते हैं, लेकिन मैं अपने बहुत से वीडियोस में, इनफैक्ट मेरे जब भी मीडिया इंटरव्यूज हुए हैं उनमें भी मैंने बहुत बार कहा है कि मुझे जहाँ भी मौका मिलेगा, जिधर भी मुझे लगेगा कि मुझे जा करके मेरे धर्म का प्रचार, चाहे वो भजन गा के करना है या संगीत के माध्यम से या किसी प्रवचन के माध्यम से, लेक्चर के माध्यम से, डिस्कशन के माध्यम से,
किसी भी माध्यम से मुझे वो प्रचार अगर करना है तो मैं करूंगी। मैं कैफे में जाके बैठूं, मैं कहीं पर भी जाके बैठूं, और तो मैं जाके भजन ही गाती हूं। तो यहाँ लिखना बहुत आसान है कि चिल्लम लगाते हो आप, चिल्लम मारने गए थे। हाँ भैया, हम चिल्लम ही मारते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे पिताजी से तो पैसे लेके मारते नहीं, अगर मारते भी हैं तो ठीक है, नाम तुमसे लेके मारते हैं। ठीक है, अगर तुमको बड़ी तकलीफ हो रही है, जिनको भाई चिल्लम मारती है जाकर के, सुट्टा मारते हैं जाकर, तो एक काम करो ना, तुम भी जाओ ना, तुम्हारे काहे पेट में दर्द हो रहा है? बहुत पेट में दर्द होता है का? और ओन्यो चौधरी लव थारी माँ ने कर जाके, बेटा बेबी होगी थारी माँ थारे वास्ते। ठीक है, अपनी माँ की उम्र की औरत को बेबी बोलेगा? बेटा तेरे जैसे बेबी हम पैदा कर देते हैं, तो और यहाँ पे बहुत से लोग ये भी लिखते हैं कि सही कमेंट्स को तो उत्तर नहीं करती हैं, तो मैं सारे कमेंट्स को उत्तर करने नहीं बैठूंगी और हर कमेंट इग्नोर भी नहीं करूंगी। आए दिन ब्लैकमेलिंग की धमकियां मेल के द्वारा लोग देते हैं, आए दिन धमकियां मिलती रहती हैं। ठीक है, तो आप में से कोई उठ कर ही आता है देखने के लिए? मुझे जो ठीक लगता है मेरे हिंदू धर्म के सनातन के प्रचार के लिए मैं वो करूंगी। सनातन के प्रचार के लिए मुझे कैफे में बैठना पड़ता है या जहां लोग सिगरेट फूंकते हैं वहां पे भी बैठ के अगर भगवान का नाम मुझे चिल्लाना पड़ता है तो आई विल डू दैट। इसमें तुम्हारे को मैं तुम मेरे कैरेक्टर का सर्टिफिकेट मुझे दोगे या मैं कैसी हूं ये मुझे बताओगे तो आई रियली डोंट रिक्वायर दैट। ये कुछ अधर्मी मलेच्छ हिंदू नाम से लॉग्ड प्रोफाइल्स बना बना करके यहाँ आकर के लिखेंगे और उनको लगेगा यहाँ आके वो बकवास लिखेंगे और फूट डाल देंगे, जैसे उनके घरों में फूट डली हुई हैं, वो यहाँ आके हरकत करेंगे, तो तुम चलाओ तुम्हारे पैंतरे और फैलाओ र्यूमर्स और जो करना है करो। हमारे वीर शूर वीरों ने जेलों में बैठ करके भी इतिहास रचे हैं। ये बार बार यहाँ पे जो राधे माँ, आसाराम बापू, राम रहीम इनके नाम लिखते हैं ना, तो तुम लोग वहां रहे नहीं और तुम लोगों ने कुछ लाइफ में किया नहीं, बदनाम भी वही हुए हैं जिन्होंने कुछ किया है। तुम लोगों ने क्या किया है? हाँ, तुम जैसे लोग जो आकर के लिखते हैं दूसरों को, तुमने क्या किया? हाँ भैया, जाके खाली 10 पैसे के वाईफाई से जा करके कमेंट मार आते हो तो लगता है धुरंधर हो गए क्या? फिर से बोल रहे हैं, कान में तेल डाल के घुसेड़ लो और दिमाग के जाले साफ करके समझ लो। मुझे जो प्लेटफॉर्म लगेगा कि सही है और यहां से सनातन का प्रचार किया जा सकता है, कुछ लोगों को सही रास्ते पर लाया जा सकता है, तो मैं करूंगी। ठीक है, थारे पेट में दर्द हो रहा है तो भैया जाके पेन किलर लो, खाओ और जो करना है करो। मैं कैफे में भी बैठूंगी, आवश्यकता पड़ेगी तो हर हर महादेव जा करके बार में भी सुना के आऊंगी। सुन लिया? बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म पे भी गाकर आई थी जहां पर मुझे मेरी भगवान गणपति की मूर्ति अंदर ले जाने नहीं दी थी, वहां पर भी हर हर महादेव गा करके और गवा करके आई थी। तो तुम जैसे जो कुछ यहाँ पे मच्छर लिखते रहते हैं, जाओ पहले जाओ,
संस्कृति के रक्षक बताते हो ना तुम अपने आप को, लिखा रहता है ना तुम्हारी प्रोफाइलों पे, हम हिंदू संस्कृति के रक्षक हैं। तो रक्षक हो तो रक्षक की तरह काम करो, नकली रक्षक मत बनो। प्रोफाइल पे लिखने से रक्षक नहीं बन जाओगे, कुछ करने से रक्षक बनोगे। और यहाँ पे सजेशन देने से अच्छा है ये करो, आप आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, तो ऐसा है कि आपको भी कुछ करना चाहिए। अगर आपको दिख रहा है कोई चीज, आपको पहले दिखी है जिसका सजेशन आप दे रहे हो कि ऐसा होता है वहाँ, हाँ ये होता है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो आप लोगों को दिख रहा है तो पहले आप उसके लिए स्टेप उठाइए, क्योंकि वो चीज पहले आपको दिखी है। मैं अपना कार्य किस तरीके से कर रही हूँ, मुझे आकर के यहाँ पर बताने की हर चीज आवश्यकता नहीं है। मुझे जो प्लेटफॉर्म मिलता है मिलेगा, शिवानी दुर्गा उस हर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सनातन के प्रचार के लिए करेगी, तंत्र के प्रचार के लिए करेगी। तेहाची तिजोरी भक्ति चाचे उघड़दार देवाता, उघड़दार देवा, उघड़दार देवाता, उघड़दार देवा, देहाची तिजोरी भक्ति चाचेवा, उघड़दार देवाता, उघड़दार देवा, उघड़दार देवाता, उघड़दार देवा। हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपके बड़े बुजुर्ग स्वस्थ रहें, बच्चे स्वस्थ रहें, ऐसी भगवान से प्रार्थना करती हूँ। बहुत कष्ट हैं दुनिया में, बहुत से लोग शायद सामने आके नहीं रोते हैं लेकिन अक्सर रोते हैं, तकलीफ में होते हैं, और जब दर्द होता है तो सिर्फ रोना आता है। उस दर्द का भी कोई धर्म नहीं होता, तकलीफ एक जैसी ही होती है। आतंकवाद का भी धर्म नहीं होता और दर्द का भी धर्म नहीं होता। तकलीफ जो लोग गुजरते हैं इस तकलीफ से, वही दर्द जानते हैं। हर सनातनी, हर हिंदू अपने भाई बहनों के लिए खड़ा रहे, यही प्रार्थना भगवान से करती। हो मराठी येत नाही मला, एवढी मराठी येत नाही आहे, पण मला भजन अभंग येते, मराठी चे अभंग आणि भजन गाते मी। मला फेवरेट, माझा फेवरेट आहे देहाची तिजोरी आणि मोगरा फुलला। चलती हूँ। हर हर महादेव। जय भवानी। जय भारत।